हेलो गाइस, आज मैं अपने एक व्यूअर्स आयशा के कहने पर पेंटिंग बनाने जा रही हूँ, ब्लॉब पेंटिंग। तो ब्लॉब पेंटिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लेन पेपर पे दो या तीन कलर के वाटर कलर फैला लेने हैं और उसके बाद पेपर को आपने फोल्ड करके उन कलर्स को ब्लॉब करना है। देखिए, अभी मैं पेपर पे कलर्स ले रही हूँ और उसके बाद मैं इन पेपर्स को फोल्ड करके आपको दिखाऊंगी और सूखने के बाद जो भी वो उसमें इम्प्रेशन आएगा उससे आप अपनी ब्लॉब पेंटिंग बना सकते हैं। देखिए, मैं पेपर को फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद इस तरह से इसमें शेडिंग आ जाएगी कलर्स की और अब इन इम्प्रेशन को कटिंग करके आप कुछ भी इमेज बना सकते हैं या इनको अपने किसी और ड्राइंग में भी चिपका के यूज़ कर सकते हैं। बट मैं इनमें छोटे बच्चों के लिए, प्री प्राइमरी बच्चों के लिए आज सिंपल सा बनाने दिखा रही हूँ। और अगर आपने कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनानी है अपने प्रोजेक्ट वर्क के लिए, तो उसके लिए मैंने एक पहले ब्लॉब पेंटिंग बनाई हुई है अपने फाइल्स में, वो मैं इस पेंटिंग के लास्ट में आपको दिखाऊंगी। वो थोड़ी मुश्किल है, उसमें सारे पेंट कलर यूज़ किए हुए हैं ड्राइंग बनाने के लिए भी। अब मैं इसमें जो मैंने ग्रीन कलर यूज़ किया था उससे मैं एक ट्री बनाऊंगी और एक डार्क ग्रीन जो मैंने कलर प्रिपेयर किया है उससे मैं पत्तियाँ और जो एक ब्लू और वाइट कलर मैंने यूज़ किया था उससे मैं क्लाउड बनाने जा रही हूँ और एक मैंने रेड कलर, रेड और वाइट यूज़ किया था उससे मैं फ्लावर बनाने जा रही हूँ। चलिए, अब मैंने इनकी कटिंग कर ली है और एक ड्राइंग शीट लेकर मैं फेविकोल से इनको स्टिक कर रही हूँ। देखिए, बनने के बाद ये बहुत ही अच्छी लगेगी और ये बिल्कुल सिंपल है, छोटे बच्चे प्री प्राइमरी के भी कर सकते हैं। अगर आप ये टीचिंग लाइन में हैं तो आप अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अब ये स्टिक होने के बाद एक सीनरी टाइप बन जाएगी, क्लाउड्स मैंने स्टिक कर दिए हैं। और अगर आप ज़्यादा इसको ब्यूटीफुल बनाना चाहते हैं तो आप नीचे पेंट भी कर सकते हैं, ड्राइंग शीट को पेंट करके फिर आप इन इम्प्रेशंस की कटिंग करके उसके ऊपर स्टिक कर सकते हैं। ये फ्लावर मैंने स्टिक कर दिया है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस 5-10 मिनट कलर को सूखने में लगते हैं, उसके बाद आप कटिंग कर सकते हैं पेपर की। और इनको आप अपने बच्चे स्कूल प्रोजेक्ट में भी, कंपटीशन में भी, ड्राइंग कंपटीशन में भी बना सकते हैं। को स्टिक करके उसके बाद आप ब्लैक मार्कर से पूरी आउटलाइन कर सकते हो, मैंने की है। और अगर बारीक वाला ब्लैक स्केच पेन है उससे भी कर सकते हैं, मोटे वाले मार्कर से भी कर सकते हैं। मोटे वाले मार्कर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा दिखेगा। आई होप आयशा आपको ये मेरी ब्लॉब पेंटिंग पसंद आ रही होगी और आपने इसे पक्का शेयर और लाइक किया होगा। कुछ भी आप इसको अपने मन से डेकोरेट कर सकते हैं। मैं थोड़ा ग्रीन कलर के क्रेयॉन से नीचे थोड़ा ग्रास बनाकर शो कर रही हूँ, जैसे ग्रीन एरिया में होता है। चलिए, तो ये ब्लॉब पेंटिंग तैयार हो गई है। गाइस, कैसी लग रही है आपको? मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। ये मेरी पुरानी ब्लॉब पेंटिंग है, इसमें मैंने नीचे वाटर कलर से पहले ड्राइंग शीट को पूरा पेंट कर लिया था, उसके बाद मैंने ये सारे ब्लॉब कटिंग करके लगाए हैं उसके ड्रेस में जो एक खड़ा है लड़का, और ये क्लाउड्स और ये ट्री और ये फ्लावर मैंने बनाए हैं, छोटी छोटी बटरफ्लाई भी बनाई थी।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच।